you ever try to let go, I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go, you decide if you ever gonna let me know, yeah. Suicide. अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं आप लोग? और अभी मैंने पिछला व्लॉग ख़त्म करा है, मैं आज ही से दूसरा व्लॉग भी शुरू कर रहा हूँ। बस जो जो चीज़ सीन होगा मैं आपको बताता रहूँ। अभी से हम लोगों ने बस नाश्ता करा है और बस अभी थोड़ी देर तक ना ऐसी चरपाई वगैरह में लेट जाएंगे, चिल विल करेंगे होंगे। थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा रोटी वाला, ये वाला, वो वाला, इससे पहले वो शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर सब तीन डब्बे ये वो सब जाते हैं, तो पीछे साइड वैसे ही उठ जाएगी गए वरना। तो बस अभी ये वाला व्लॉग शुरू कर दिया मैंने और फुल पची पची पतंग जो भी बोलते हैं वो हो गया आपका भाई। तो बच्चे आए हुए दिमाग ख़राब करने के लिए हमारे पास, ये उज़ैफ़ा है और ये अब्दुल वासे, दिमाग ख़राब कर रहे हैं। सुबह से आए हुए हमारे पास, ये भूखा है, ये पेप्सी और नाश्ते में हमारे साथ आ गया था, बार बार मांगे यार, तो इसको हम लोगों ने खिला दिया। मैं और तला कैसे अब ये व्लॉग में डालूंगा और ये मैं ऐड कर दूंगा, हुज़ैफ़ा अपने आप को कुछ घटिया कह रहा था। और हुज़ैफ़ा दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी, ये वासे ने बोला। और वो हुज़ैफ़ा गंजा भी और उसके अब्बू पता नहीं ऐसे इनको बेल्टों से मारते हैं, गजब बेइज्जती हो जाती है। हुज़ैफ़ा तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई यहाँ, वासे ने टाइट बोला वैसे। वासे और कुछ? और हुज़ैफ़ा बहुत ही पागल है। अच्छा एक बात बताओ, पेप्सी पिलाओगे ना जब आएगी? हाँ पिलाऊंगा। बस व्लॉग में भाई देख लिया आप लोगों ने, व्लॉग में इसने बोला पेप्सी पिलाएगा। पैसे देंगे आप यार, क्या मतलब ऐसी खूबसूरती की होती है, आप जानवर देंगे पैसे क्यों पूछ रहे हैं? वाह, आपने मुझे पेमेंट देनी नहीं देनी, आप इतना बड़ा कर पे चाय पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, आपको हमें नहीं मिला, क्यों तू बताए हम आपको खरीदेंगे, आप पैसे दे दें हम आपको रेट बता देंगे, पैसे देंगे आप रेट बता, 2 लाख रुपए का लगता है? लगता नहीं है तो आप लगा लो भाई, आप मंडी गए अभी तक? हाट गया हूँ मैं। कितनी दफा गए? 3 दफा गया हूँ आज इस साल में। 3 दफा कितने होते हैं ऐसे? ये 3 दफा, पहले 4 दफा बता रहा था ये, अब ये 3 दफा यार, आप रेट नहीं बताओ यार, कौन भाई यार, पैसे तो आप आपका नाम रेट बता दें तो बताओगे ना? इरफान नाम इरफान में बताओ, रेट बताओ इसके हैं 2 लाख, सच बता दो? सच्ची तो बोल रहे हैं, आपसे झूठ बोल के क्या मिलेगा? वाह भाई, मिट्टी आई है, लाइटें लगी हैं, गली का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा, 2 लाख तो पड़ गया अभी खाना। जानवर के कैसे बता दें? जागी ये कौन देगा? बाकी ये कौन देगा? बाकी के मैं दूंगा, जानवर के रेट असली रेट बता दो, आपको पूरे 3 लाख रुपए दूंगा। पहले आप 3 लाख रुपए दिखाओ, हम जानवर दिखाओ, गाड़ी में रखे हैं पैसे। गाड़ी कौन सी आपकी? काली वाली है ना गाड़ी, उसमें रखे हुए हैं। अब गाड़ी दिखाओ, गाड़ी का है? यहाँ से दूर दूर तक गाड़ी दिख रही है आपको भाई? यार आप इतना बड़ा कि अब कारा कब लेके चाय पी सकते हो, तो गाड़ी नहीं दे सकते? काली गाड़ी खड़ी होती तो मैं देखता ना दोस्त, गाड़ी है नहीं तो आप रेट बताओ ना सब, थोड़ा व्हाइट कलर का ये तो नजर आ रहा होगा ना? व्हाइट तो दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा? हमें भी दिख रहा है, आपको काली गाड़ी नजर नहीं आ रही? नहीं है ना वहाँ? नहीं है, नहीं है। आओ चले मेरे साथ दिखाता हूँ। क्यों चले भैया? अबे क्या हुआ, क्या बातें कर रहा है क्या? देखो बकरे की पहनाई है, हमने क्या बोला था? 30,000 में नहीं बोला था? 30,000 में इतना से बोला, 2 लाख रुपए लगा रहे हो, हमारी चीज हम 2 लाख रुपए की, आपको लेनी है? नहीं लेनी, आप नहीं ले रहे भाई, आप अगर रेट सीमित होंगे ना, अगर रेट अच्छे होंगे तो हम ले लेंगे भाई, हमें नहीं देने भाई, बिकी है ये जानवर। अरे भाई चल, अब्बा बुला रहे गाड़ी में, आ जा भाई यार, अब्बा को भेजे, तुम्हारे बस का काम नहीं है भाई। तो अभी जुम्मे का दिन है, हम लोग सब नमाज वमाज पढ़ के आ गए हैं, अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग एक छोटी सी जगह, मैंने पिछले साल भी क्रिकेट खेलते थे, इस साल भी खेलेंगे 1-2 वर्डी, तो मैंने बता देते हैं तब भी अब चीज होगी, दिखाएंगे आ जा, रात को खाएंगे वो
अगर हम आपको गायब होने देंगे जब आप गायब होंगे ना नहीं गरम अंडे नहीं पड़ेंगे लेकिन अंडे पड़ेंगे जरूर तो तला भाई तो आप काफी काफी बॉले खेल ली तुमने ये शॉट ये कवर ड्राइव की जानिब क्या कहा आपने दोबारा कहिएगा ये थोड़ा सा ज्यादा मजाक हो गया है अवर हो गया भाई अवर हो गया है Later that same evening. चलो चलो MTK की सालगिरह है चलो चलो MTK की सालगिरह है शराफत से कोई जाता है अंडे खाने के लिए पता ही आजो 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 ये रे स्वेप साहब तैयार रखना दो दो अंडे अंडे तैयार है ना दो अंडे कितने दिए तुम्हें एक फिर खिलाओ ये रे अबे लड़ाई मार के खत्म कर वाह 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 मेरा लगा ना ये मेरी साल की ना नहीं देख अब बेटा इधर आ जाओ इधर आओ ये देखे मसाज हो चुका है चला था मसाज होगा आपके साथ बोल लो हाँ भाई नियान साहब सीधे और ये तला भाई नहाने जाएंगे तो हम लोग ब्लॉग भी यहीं पे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह केक मेरी तरफ से सबको बेटा दूसरा लेके आ जाओ तला स्टॉप कर रहा हूँ मैं तला साहब का ये हाल देखे यहाँ पे और तला तला खर्चा किसने तला केक कैसा लग रहा है वासे भाई और इन सबको पता नहीं क्या हुआ चढ़े वासे भाई ये रहे हमारे हैप्पी बर्थडे टू यू तला नीचे ना देखो हैप्पी बर्थडे अबे केक पे ना लाओ यार बेटा बन जी यार केक पे से हटा लो यार अबे बस कर दो ये यहाँ की जा रहे हो किसके ऊपर नहीं आया है पागल मोटे Two days later. और ये अली हैं और ये दानियाल भाई हैं जो लेकर आए हैं कैटल फार्म का जानवर कैटल फार्म का जानवर उतरते हुए देखने के लिए ब्लॉग को बनाना ब्लॉग डाल हाँ ब्लॉग में डालिए आप जो देख रहे हैं कट्टू माल है ये आपको बंदा दिखाता हूँ आप कट्टू माल लाए जैसे लग रहा है घूमने के बराबर लेकिन अच्छा है तो यार उन्हें कटवाया यार इसको
नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये हम लोग जा रहे हैं गाय टहलाने के लिए। बहुत भाई देखो बहुत शरीर बहुत शरीफ है माशाल्लाह से। कभी टहलाने के लिए देख सकते हैं उज़ैफ़ा को, उज़ैफ़ा को देख सकते हैं। टॉक वाले आगे चले माशाल्लाह, इतने सुकून से पकड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। जी इनके गले में रस्सी लगी है, रस्सी डाल के हम इसको ले आते हैं। हमारे घर का बच्चा ये कितने साल पाला है? हमने इसको तकरीबन एक साल पाला है। अरे वाह माशाल्लाह। अभी जब इसके ऊपर हम छुरी चलाएंगे तकलीफ सी होगी। पता नहीं हम किसकी गली में खड़ोगे ये सब हरकते गए। एक्चुअली में जो है हमने अब देख के इनसे सब्जियां लेके हमने जो है गाय को खिलाया है। सुबह 7 बजे हम लोग आते हैं इनके पास, ये सब्जियां लेते हैं हमें ताज़ी और फ्रेश सब्जी। ये गाय का पता नहीं किसी दुकान पे नहीं आया था। अब क्या हो अबे ये बात भाई आ रहे हो भाई बड़े मिलने के लिए? बोलो मैं बहुत दूर से आया हूँ कला भाई। अरे अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कल रात को चांद दिखाया और आज चांद दिखने के बाद पहला दिन है और आज के दिन फुल टायर्ड वाली सुबह 6 बजे से मेरे ख्याल से बारिश हो रही है। उनके मैं जाके सो गया था 2 रातों से तकरीबन ना, मैं सिर्फ 3-3, 4-4 घंटे सो रहा था। इस वजह से ना मैंने सोचा था आज अपनी नींद पूरी करूँगा और आज मेरी आँख खुली हर भरी में कि क्या हो रहा है। बाहर में आया था पता चल रहा था बारिश हो रही है, आवाज़ भी बैठ गई है मेरी। और 6 बजे से मेरे ख्याल से बारिश हो रही है और अभी 7-7.30 बजे तक मैं उठा हूँ 7:30। और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये पूरा सेटअप वेटअप कर चुके हैं हमारे मेरे भाई लोग और सारे दोस्त। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप कैसा कर रहा है। बेचारे गाय वाय सब रिलैक्स हो गई है, मिट्टी वट्टी कुछ गीली नहीं हुई है। अभी भी बाहर बारिश हो रही है। तो चलो बहुत दिनों से ना फिर एक ही रूटीन चल रही थी, अब कुछ नया हो गया, ये सीन हो गया। ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बीच में एक मेन बांस लगा दिया और ऐसे करके ना ये यूँ स्लाइड में और ये यूँ करके ना घर टाइप दो बना दिया। अंदर नीचे तो गाय है, मिट्टी वट्टी सब साइड है। वहाँ पे भी एक गाय आ गई है, उसके पीछे भी एक गाय आ गई। उन सब ने भी उनकी एक एक गाय है तो उनका इतना मसला नहीं है, उन्होंने सब सेटअप कर दिया। तो हमारा एक पानी इस तरफ से निकल रहा है, लाता हूँ मैं बाहर बस बाहर। एक पानी ऐसे करके यहाँ से निकल के सीधा गटर के अंदर जा रहा है। बस ये तो कुछ नया सीन हुआ था, मैंने सोचा कि बना लेते हैं। और अंदर तोतों का भी सेटअप मैंने कर दिया। ये देखिए ये जैसे तोतों का पिंजरा है, इसको पहले चादर से रखा, ऊपर से थैलियाँ रख दी हैं, इसलिए अगर पानी आए भी ना ऊपर से तो कोई मसला ना हो। और बाकी सही है, अल्लाह हाफिज़। सेटअप हो गया, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बस बैठेंगे और बारिश इंजॉय करेंगे और बस। तो भाई अभी ये तकरीबन 12:30 बजे हो गया। आज मेरी बहन का पेपर भी था तो उसको सेंटर से लेता आते वक्त मैं पूरा गीला हो गया। वहाँ पे मेरी बाइक बंद हुई तो मुझे ढूंढने के लिए ये साहब गए, पता नहीं क्या सूझी इनको, ये साहब गए मुझे ढूंढने के लिए। क्यों गए थे? मैं क्या खो जाऊंगा पूरा गीले हो क्या आ गया? अबे दिखा दो उसको, पूरे गीले हो क्या आ गया। तो अभी यार बारिश वारिश हो गई है और नाश्ता वास्ता सब कर लिया। स्कूल के लिए उठा था 7 बजे, 7:30 बजे स्कूल के लिए उठा था। हटो भाई गाय दिखा दे। फरीद भाई हटिए हटिए हटिए। तला भाई की गाय बैठ गई, तला भाई गाय का मुंह नहीं, ये बॉबी भाई कट्टू है। गाय का मुंह ये देखो, कचरे
भाई ये बच्चा ना बकरे से डरता है। अच्छा बकरे को प्यार करके दिखाओ। भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो भाई कल बारिश हुई थी और कल बारिश हुई है और आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन की भी रात हो गई है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मैं आपको एक चीज़ दिखानी है, कल गली का एक टूर टाइप दिया था मैंने आपको, उसमें कितने जानवर थे? दो जानवर थे। और एक दिन में बल्कि आधे दिन में क्या सीन हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी सारी गाय आ चुकी है हमारी, एक गाय ये ऊंट है, एक गाय ये हमारी, ये आज वासे लोग क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आसमान नहीं दिखा रहा वो लंबी थी। ये हमारे बर्गर बच्चे, बर्गर बच्चे सिंगल बर्गर विद डबल चीज, कुछ बोल के दिखाओ। मुज़ैफ़ा एकदम काले आ रहे हो तुम। हाँ और भी तो हैं, और भी तो हैं। ब्राउन वाली गाय चली गई घर के अंदर, बांध दी उन्होंने बारिश की वजह से। हाँ अभी गली में फुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, सिर्फ तीन लोग हैं। ये एक बकरा हो रहा है, एक बकरा हो रहा है, एक गाय और बंदी भी काली है जो नज़र नहीं आ रही। सही तो भाई ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। असल में कोई वैसा ब्लॉग नहीं था, ये खास है एकदम रॉ। ये बस ये सीन था कि कितने दिन हुए हैं, 12 दिन हुए ना पिछला ब्लॉग बनाए हुए, 12 दिन हो गए हैं। बस 9 दिन बकरीद में रहते हैं, 7-8 दिन पर ये हसीब क्यों आ रहा है? हाँ तो 8-7 दिन हो गए तो वे अब बस अगले दिन का भी अगले भी ब्लॉग बनाऊँगा बकरीद तक, वो बकरीद पर बात डाल दूँगा। आ रहे अभी आ जाओ, सही अगली बार आएगा। और अभी व्लॉग एडिट करते हुए पता चलेगा कि कैसा बना है, क्योंकि बीच बीच से क्लिप्स बन रही थी। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़। मास्टर की एक्टिंग करें गुज्जा।